फाइनली दोस्तों Realme ने अपने Realme Narzo 50 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किए, Realme Narzo 50A एंड Realme Narzo 50i। बट जो ये वीडियो होने वाली है वो यहाँ पे डेडिकेटेडली Realme Narzo 50A के ऊपर होने वाली है। अगर आपको यहाँ पे 50i के बारे में भी जानना है तो वो वीडियो अपलोड होने वाली है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Realme Narzo 50A के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी फोन के बॉक्स कंटेंट्स की। आपको यहाँ पे बॉक्स में कुछ ज्यादा नहीं देखने को मिलता, एज यूजुअल आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगी, सिम टूल, और यहाँ पे नीचे मेन फोन रखा है। इसी के ठीक नीचे यहाँ पे आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी। बस इतना ही है बॉक्स कंटेंट। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी मेन फोन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी फोन के प्रोसेसर की। आपको यहाँ पे दोस्तों MediaTek का Helio G85 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। मतलब यार Realme वाले हमें कुछ नया प्रोवाइड कर सकते थे, एक बड़ा प्रोसेसर प्रोवाइड कर सकते थे, नहीं आपको यहाँ पे एक MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है, जो यहाँ पे 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पे आता है। नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह करने के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। वो ARM Cortex A75 का CPU देखने को मिलता है, और अगर गेमिंग की बात करें यहाँ पे आपको ARM Mali G52 का यहाँ पे आपको GPU देखने को मिल जाता है। मतलब आपके यहाँ पे गेमिंग अच्छे से हो जाएगी, ये बात यहाँ पे श्योर हो जाती है कि यहाँ पे आपको गेमिंग वाइज अगर आपने PUBG वगैरह खेलनी है HD सेटिंग्स वगैरह पे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, आपको यहाँ पे 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड की है Realme ने। मतलब यार यहाँ पे हमें फुल HD+ डिस्प्ले तो दे सकते थे, बट नहीं, आपको यहाँ पे 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी है, वो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे 88.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, यहाँ पे 20:9 के एस्पेक्ट रेशो है, और यहाँ पे मतलब ठीक है। यहाँ पे इसी की डिस्प्ले 400 nits की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। जो रिफ्रेश रेट वगैरह होता है उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 60Hz का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता हो। तो ये बात हो जाती है इसी फोन की डिस्प्ले की। डिस्प्ले यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे अगर इसी फोन की बैटरी की बात करें, जो यहाँ पे इसी का मेन हाइलाइटिंग फीचर है, इसके अंदर दोस्तों आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैं बैटरी कह सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसके साथ आपको यहाँ पे 18W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। मतलब यार 6000mAh की बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग है, 2 घंटे से ज्यादा तो आराम से लगने वाले हैं इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए 18W के चार्जर के साथ में। बाकी ठीक है, यहाँ पे बैटरी काफी ज्यादा, यहाँ पे बैटरी एफिशिएंट फोन होने वाला है। बाकी बड़ी बैटरी होने की वजह से इसी फोन का वेट भी काफी ज्यादा हो जाता है। इसके अंदर Realme बताता है कि आपको यहाँ पे 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, मतलब लगभग आपको यहाँ पे 208-209 ग्राम का वेट देखने को मिलता होगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा हैवियर साइड पे हो जाता है। बाकी अगर इसी फोन की थिकनेस की बात करें, ये फोन यहाँ पे 9.6mm की थिकनेस पे आता है, जो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे ये फोन उनके लिए मेनली बनाया है Realme ने, जिनको यहाँ पे बड़ी बैटरी चाहिए या फिर उनको मोटे फोन होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, उनको यहाँ पे बड़ी बैटरी होनी चाहिए जिससे मतलब पड़ता है, तो उनके लिए ये फोन बेसिकली बनाया गया है Realme की तरफ से। अगर इसी फोन की कैमरास की बात कर लें, यहाँ पे आपको दोस्तों 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, वो यहाँ पे एक अच्छी बात हो जाती है कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पे Realme ने 50MP का प्राइमरी कैमरा प्रोवाइड कर दिया। पे दो छोटे छोटे कैमरास लगा दिए, मतलब नाम के लिए यहाँ पे 2MP के आपको छोटे छोटे कैमरास देखने को मिलेंगे डेप्थ और मैक्रो के लिए, जो मतलब यहाँ पे बिल्कुल यूजलेस है मेरे अकॉर्डिंगली, तो आपके यहाँ पे इतनी ज्यादा अच्छी फोटोज नहीं आएगी इसी 2MP वाले कैमरास के साथ में। और यहाँ पे फ्रंट साइड पे आपको 8MP की सेल्फी देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पे नॉर्मल बात हो जाती है। हाँ, यहाँ पे जो इसी के 50MP वाला मेन कैमरा है उसके साथ यहाँ पे काफी अच्छी फोटोज आ सकती है आपकी इसी के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। इसी फोन के अंदर आपको यहाँ पे Realme UI 2.0 देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है। मतलब ठीक है, यहाँ पे थोड़े से ब्लूटूथ तो जरूर देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलने वाला है, GPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूल 4G वोल्टी देखने को मिलेगा, वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे बैक साइड आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको कैमरा मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी अजीब बात लगी मुझे, मतलब पता नहीं अभी आएगा जब फोन तब देखेंगे कि कितना ज्यादा कंपेटेबल होता है। बाकी फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे EMMC का 5.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है,
तो ये तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन थी इसी फोन की। बाकी अगर हम इसी फोन की प्राइस और कलर्स की बात करें, ये भी आपको इसी फोन के अंदर दो कलर्स देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे है दोस्तों ऑक्सीजन ब्लू, वो तो ठीक है भाई। जो यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रीन कलर है वो नहीं यार मुझे समझ आया। यहाँ पे बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर है, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रीन कलर कैसे कह दिया इन्होंने? मतलब किस एंगल से ग्रीन कलर लग रहा है भाई, वो बताओ आप भी नीचे कमेंट करके। यहाँ पे आपको दो कलर देखने को मिलते हैं। डिजाइन वाइज अगर बात करें, पीछे आपको यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है उसके नीचे नीचे आपको यहाँ पे टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है। साइड पे आपको प्लेन डिजाइन देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ऑनेस्टली अगर बात करूँ, यहाँ पे मुझे इसी का डिजाइन इतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। बाकी आप बताओ आपको यहाँ पे इसी का डिजाइन कैसे लगा। पीछे पॉलीकार्बोनेट फिनिश है, प्लास्टिक बॉडी है, साइड पे प्लास्टिक का फ्रेम है। आगे की तरफ आपको यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉप नोट्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नीचे आपको थोड़े से चिन्ह भी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पे थोड़ी सी मोटी चिन्ह है। यहाँ पे बेजल्स वगैरह आपको थोड़े थोड़े देखने को मिल जाते हैं। ये बात हो जाती है इसी फोन के कलर्स और डिजाइन की। और अगर बात करें इसी फोन के वेरिएंट्स और प्राइस की, यहाँ पे ये फोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। जो इसी का बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, उसके प्राइस दोस्तों इंडिया में इन्होंने रखा है 11,499, मतलब 11,500, जो यहाँ पे ठीक बात हो जाती है। मतलब हाँ अगर ये फोन 11,000 का होता तो ज्यादा अच्छा होता, बाकी ठीक है। अगर इसी फोन के हाईर वेरियंट की बात करें, यहाँ पे आपको दूसरा वेरियंट 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलता है, जिसका प्राइस आपको यहाँ पे 12,500 देखने को मिलता है। ये बात हो जाती है इसी फोन के प्राइस की। ओवरऑल अगर मैं बताऊंगी मुझे ये फोन कैसे लगा, मतलब ठीक है। अगर आपको एक बैटरी एफिशिएंट फोन चाहिए, बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए, गेमिंग वगैरह भी अच्छी हो जाए, तो ये फोन ठीक है। बाकी डिजाइन वगैरह मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी बताओ आप नीचे कमेंट करके आपको ये फोन कैसे लगा इसी के प्राइस और फीचर के अकॉर्डिंगली। और अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।